माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं, आदेश हैं कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को ये हक है कि वो हमारा हक मारे। उसका ये हक नहीं है कि वो हमारा हक माने, उन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। केजरीवाल साहब खुद कहते थे कि हम समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ उनसे, और आग्रह भी करना चाहता हूँ, और हमारी ये डिमांड भी है, अगर इनको दिल्ली नहीं संभाली जा रही है, स्वास्थ्य संभाला नहीं जा रहा है, तो तुरंत ये इस्तीफा दे दें। सत्येंद्र जैन इस्तीफा दें, खुद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, इस गवर्नमेंट को हटा दें, इस गवर्नमेंट को ये हटा दें, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी देखेंगे। अदरवाइज अगर ये हटाते हैं राष्ट्रपति शासन लगेगा, हम LG से भी निपट लेंगे, हम प्रधानमंत्री मोदी से भी निपट लेंगे। धन्यवाद। हम मोदी से भी निपट लेंगे और LG से भी निपट लेंगे, और जब सरकार नहीं बनी थी आम पार्टी की, जब इनके वादे थे कि हम सत्ता में आएंगे जो प्राइवेट काम कर रहे हैं हमें रेगुलाइज करेंगे, तो आप यहाँ धरने पर हैं। मेरा नाम राकेश चौधरी है, मैं 1998 से कार्यरत हूँ संविदा पर, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में। सर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सरकारें आई गई, सबने एक ही वादा किया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे। रेगुलराइज करना तो दूर, इन्होंने हमें सेम वर्क सेम पे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो उनकी एडवाइजरी है, वो भी देना मुनासिब नहीं समझा। हमें एक ऐसे स्तर पर रखा गया कि जिस पर आज की डेट में चपरासी भी नहीं है। हमें 15,000 की सैलरी 20 सालों में मिली है, 20 साल से हम काम कर रहे हैं और मेयर 15,000 की सैलरी पर। तो उसके चलते हमें आज जो केजरीवाल जी ने चुनाव में आने से पहले हम लोगों से वायदा किया था, और हमने घर घर जाके केजरीवाल जी का प्रचार किया था, झाड़ू पर हमने एक मुश्त वोट डलवाए थे कि ये इन्होंने कहा था, आपने देखा हुआ होर्डिंग लगा हुआ, संविदा कर्मचारियों को सबसे पहले हम नियमित कर देंगे। नियमित करना तो दूर, हमारी वेतन विसंगति जो है, हमें जो एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन दिया जा रहा है उसको भी ये बराबर अब तक नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं धरने पर। पिछले 18 तारीख से हम यहाँ स्ट्राइक पर हैं और आगे अनिश्चितकालीन के लिए स्ट्राइक रहेगा। 3,500 कर्मचारी हैं, पूरे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं आपको बता दूं कि मीठापुर दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में एक बच्चा गलत टीका लगने से 22 तारीख को मर जाता है, एक घंटे के अंदर उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। वो बच्चा जैतपुर का है, आप लोग का है, मीडिया के बंदोबस्त में कह सकता हूँ कि जैतपुर का बच्चा है, FIR है मीठापुर थाने में, आप जाके तहकीकात कर सकते हैं। मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर सकता हूँ कि जो अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं उसके द्वारा वो टीका लगवाया गया और वो मर गए। आज की डेट में जो TB में MDR-X की दवाई है, NGOs वाले से जो 10वीं पास नहीं है उससे खिलवाई जा रही है, पूरे स्वास्थ्य सेवा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहती है धरना वाल सरकार, इन्होंने हमें सिखाया LRI लड़ना, और हम आज संघर्ष स्थल पर आके संघर्ष करने के लिए मजबूर हुए हैं, और तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये हमारा समान कार्य समान वेतन लागू नहीं करते। और आगे देखिए, आज 9वां दिन है, इनके कान पर जू तक नहीं रहेगा। इन्होंने हमें बुलाया नहीं, इन्होंने हमसे ढंग से बात नहीं किया किसी ऑफिसर ने, और अगर इसी तरह इनका ये व्यवहार बना रहा तो आगे हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहेंगे। हो सकता है हम चक्का जाम करें, हो सकता है हम रोड पर डाइवर्ट करें, हम तोड़ फोड़ करें, कई सारी चीज़ें उसमें आएंगी, फिर उसका जिम्मेदार जो होगा अकेले केजरीवाल सरकार होगी।